हे फ्रेंड्स, कैसे हो? जब तक समस्या खुद की नहीं होती है, सब लोग हल नहीं निकालते हैं। एक थोड़ा सीरियस सा डायलॉग था अक्षय कुमार का, लेकिन मैंने थोड़ा कॉमेडी टाइप बोल दिया है। मैं उसकी तरह नहीं बोल पाऊँगा। ये मैंने क्यों बोला, आप लोग सोच रहे होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, अहमदाबाद जैसी सिटी में हम रह रहे हैं, हमको एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ चाहिए, लेकिन मूवीज़ के जो टिकट्स होती है वो उसके जो रेट्स होते हैं वो भी भयंकर, और जो पॉपकॉर्न के रेट्स होते हैं वो भी भयंकर। तो इसमें हम करें क्या? मूवीज़ देखना छोड़ते नहीं यार भाई, हमको तो बड़ा शौक है मूवीज़ देखने का, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो आइए आज हम ऐसे एसी टॉकीज में चलते हैं कि जहाँ पे रेट्स भी अच्छे हैं और उसके जो पॉपकॉर्न के रेट्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, सॉरी मतलब टिकट्स के रेट और पॉपकॉर्न के रेट दोनों अच्छे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एबी मिनीप्लेक्स। अगर मिनीप्लेक्स नाम सुन के आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटी टॉकीज होगी या छोटा पड़ता होगा वगैरह, तो इट्स नॉट। और भाई, हम होम थिएटर पर थोड़ी बिठाएंगे आपको, ठीक है ना? तो ये बात है एबी मिनीप्लेक्स की, जहाँ बहुत अच्छी टॉकीज है, उसके रेट्स भी अच्छे हैं, मतलब उसका पर्दा स्लाइड छोटा होगा दूसरी टॉकीज से, लेकिन बहुत अच्छी है। और मिनी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें कम पब्लिक फिट की गई है, एक स्क्रीन में कम पब्लिक, बाकी टॉकी से कम। लेकिन ये भी देखने लायक है यार, मैं जब गया तब मैं भी सोच में पड़ गया। आप लोग शायद इसलिए नहीं करते होंगे क्योंकि आप जब क्लिक करते होंगे तब यानी मिनीप्लेक्स देख के आप शायद क्लिक ना करें, उसको बुक ना करें, ठीक है ना? तो इस बार आप जाके एक बार देख सकते हो, और 100-120 की रेंज में, मतलब 130-150 की रेंज में आपको मूवीज़ देखने को मिल सकती है। मैंने देखी है, मैं 100-120 रुपये में मैंने मूवीज़ देखी है एबी मिनीप्लेक्स में। अब मैं रेट्स की गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप सर्च करते हो आप एबी मिनीप्लेक्स में सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं खुद गया हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना? चलो आइए देखते हैं। માછલી છે, અલગ ટાઈપ ની છે। પલડી ના જાય પીળું પીળું, તમને શરદી ના થઈ જાય, પણ પછી અમે ડ્રોઈંગ કરવાનું એમાં નાકા થતા નાખ નહીં, તમને શરદી કેમ? આ બ્લેક આઈ